किसी कंटिजेंसी की वजह से, किसी कारण की वजह से आप उसे पूरा नहीं कर पाए। तो मेरा 1% मन नहीं है शादी में जाने का, और मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी दाल चावल, बट नेजल सिस्टम इज एंटायरली ब्लॉक्ड। थ्री 2024 और सुबह के बच्चों की है आज। क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने खुद के लिए, खुद के दिन के लिए कोई प्लान बनाया हो? लाइक यस्टरडे वाज संडे एंड सनसेट वाज संडे, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट आपने पहले ही बना के रखी हो कि ये सारी चीज़ें मुझे आज करनी है, ये सारे काम मुझे ख़त्म करने हैं। चाहे आप उसे बैकलॉग कहें, चाहे आप उसे टू डूज कहें, जो भी नाम से कहें, जैसे भी कहें। और फिर किसी कंटिजेंसी की वजह से, किसी कारण की वजह से आप उसे पूरा नहीं कर पाए। मेरे साथ एग्जैक्टली कल का संडे यही हुआ है। यस्टरडे संडे आई हैड प्लान लॉट ऑफ थिंग्स इन माई कार्ट, लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई चार्ट। बट कहते हैं ना कहीं इतने दिनों से ये बीमारी ड्रैग होती जा रही थी, खांसी हो रही थी, जुकाम हो रहा था, और डॉक्टर को दिखाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। परसों शाम को मैं गया भी था दिखाने के लिए, तो पता चला डॉक्टर नहीं थे। फिर हमने फ़ोन पे कंसल्ट करके कुछ मेडिसिंस लिखवाई, गॉट द मेडिसिंस, एंड फाइनली आफ्टर टेकिंग मेडिसिंस यस्टरडे आई गॉट फीवर इन आफ्टरनून अराउंड 2:00। और उसके बाद तो भाई साहब सारे प्लान जो चौपट हुए, ठप हुए, आई रियली कांट एक्सप्रेस यू इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। कल का दिन संडे था, सुबह मैंने फाउंडेशन की क्लास ली थी, और उसके बाद में आई कंटिन्यू बाकी के काम करना चालू किए, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने आपसे कहा था, आई एम स्टार्टिंग विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, कि आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा, काउंटिंग के, कॉस्टिंग के, उस पर मैं काम कर रहा था, और वॉल्यूम नंबर 3 पे मैं काम कर रहा, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा था। और आफ्टरनून में एकदम से यू नो आई स्टार्टेड फीलिंग डिजीनेस। एक और चीज़ यहाँ पे ये हुई कि हम कहते हैं ना कि जो लोग अल्कोहलिक नहीं होते हैं उनको एक घूट में भी चढ़ जाती है, तो कल तो मेरे साथ यही हुआ। मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, मैंने कभी लाइफ में अल्कोहल ट्राई नहीं किया, पर कल जब एक सिरप मुझे दिया गया था, वो सिरप के अंदर अल्कोहल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, ग्रिलिंग टस नाम का सिरप था, तो वो देने के बाद तो भाई साहब जो मैं झूम रहा था, अरे आई कांट टेल यू। आई थिंक मेरे साथ पहले भी ऐसे एक दो बार हो रखा है कि चढ़ती बहुत जल्दी है मेडिसिंस की, तो कल वो तो एक अलग ही फेस था। तो मैं 2 बजे के बाद तो मैं अपने कंट्रोल में नहीं था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गॉड ओनली नोस। बट ऑल सेट एंड डन, जो पूरी दिन की प्लानिंग थी ना, द प्लानिंग स्क्रूड अप, एंड अब आज का दिन नया चालू किया है। देखते हैं आज मैं कितना सस्टेन कर पाता हूँ। नेक्स्ट वीक में मेरे मौसी के बेटे की शादी है, हर्ष की शादी है जोधपुर में। मेरे आई थिंक मौसी के घर में अब ये लास्ट मैरिज है, बड़े बेटे की शादी हुई थी 1.5 साल पहले, अब ये छोटे वाले बेटे की शादी है। पूरी फैमिली काफ़ी एक्साइटेड है और हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन अब ज़िंदगी में चल रहे इस तनाव के बाद, रियली स्पीकिंग कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। एक्साइटमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई, इतना बुरा भी लग रहा है उसके लिए कि यार हम लोग एज अ भाई भाभी उसकी शादी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब मिस नहीं कर सकते हैं तो जाना तो पड़ेगा। तो मम्मी पापा आज सुबह निकले हैं और हम लोग 3 तारीख को, 3 फरवरी को जोधपुर जाने वाले हैं। बट सच बताऊँ, ऑनेस्टली बात यह है कि मेरा 1% मन नहीं है शादी में जाने का, और मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अब ये मेरे हाथ में नहीं है यार। हाउ यू फील अबाउट समथिंग, इट्स डिपेंडेंट ऑन मैनी थिंग्स, और ये बिल्कुल मेरे हाथ में नहीं है। हर्ष की शादी है, शादी पहले ही डिसाइड हो गई थी जुलाई अगस्त में, जब ये हुआ था उसके पहले ही, और तब हम लोग बहुत एक्साइट थे। इनफैक्ट हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए यार। मतलब 6 तारीख की शादी है, सेलिब्रेशंस जो हैं वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, हो गए इनफैक्ट, और हम लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे उन सब में। हम लोग 3 तारीख को जाएंगे, और 6 की शादी कंप्लीट होने के बाद 7 को नई दुल्हन घर पे आती है,
उसका वेलकम होता है, वो सब करने के बाद 8 तारीख को हम लोग वापस निकल के आ जाएंगे। दैट्स हाउ द लाइफ इज। स्वाति केम फ्रॉम होम, शी बॉट लंच। लंच में आज दाल चावल खाए बिकॉज गला बहुत ख़राब है, तो कुछ भी स्वैलो करने में बहुत परेशानी हो रही है। चावल जो होता है सॉफ्ट होता है और दाल थोड़ी गर्म गर्म होती है, तो दाल चावल से अच्छा लगता है। सो आई हैड दाल चावल, बट नेजल सिस्टम इज़ एंटायरली ब्लॉक्ड और अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मेडिसिन लेने से नींद बहुत आ रही है और कांट टेल यू मैन। सो वार्म अप की बैचेस तो हो गई अच्छे से ऑफिस के अंदर जो बैचेस थी, लेकिन अभी मेरी एक और क्लास है अगले 5 मिनट बाद, 5 बजे ऑनलाइन है ये क्लास। अब ये क्लास लूँगा मैं, 7 बजे तक चलेगी और फिर ऑफिस को बंद करके फिर मैं घर पे जाऊँगा, लॉक लगा कर फिर मैं घर पे जाऊँगा। बट दिन को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल आई मैनेज टू समहाउ यू नो लाई डाउन अ लिटिल बिट एंड वर्क वाइल स्लीपिंग, और काम करते करते दिन निकल जाएगा। सो इट्स 4:59 राइट नाउ और मैं अभी बस यहाँ लाइव जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। और CA फाउंडेशन की क्लास है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक चल रहा है और इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है सामने, ताकि एक ट्रायल में यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि देखता हूँ क्या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। सो ये वो डिवाइस है जिस पे मैं लिख के पढ़ाने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ वायरलेसली आईपैड को इसके साथ, लैपटॉप के साथ, और लैपटॉप को कनेक्ट किया है टेलीविजन के साथ। सो लेट मी सी हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स।